पार्ट पीस विदाउट मेकअप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने अभी अभी शॉवर लिया है तो मेरे बाल भी गीले हैं एंड मेरा अच्छे से क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजेशन हो गया है। अब समर मेकअप है तो आपको सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यूज़ किया है VLCC का, जो मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो काफ़ी मैंने ख़त्म किया है एंड आई लव दिस बिकॉज ये मुझे अच्छा मॉइस्चराइजेशन भी देता है। तो ये लगाने के बाद मैंने एक्चुअली लिप बाम भी लगा लिया है अपने लिप्स पे। ये दोनों बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग योर एक्चुअल मेकअप। तो ध्यान दीजिए कि आप जब सनस्क्रीन लगाते हो तो एक 5-10 मिनट मतलब लिप बाम और सनस्क्रीन लगा के ना बैठ जाओ, मतलब उसके बाद मेकअप स्टार्ट करो, अगर मतलब इफ़ यू आर नॉट इन हरी। तो ये सब मैंने ऑलरेडी कर लिया था तो अभी 10 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं एक्चुअल मेकअप स्टार्ट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर, क्योंकि प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है आपके मेकअप को यू नो स्टक करके रखने के लिए, बांध के रखने के लिए, कि समर में मेरे स्किन पे ये बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि मेरे जो ओपन पोर्स है ना इसको ये ब्लर आउट करता है। तो आई लव दिस, तो मैं इसको लगा रही हूँ अपने फेस पे। अब आप देख सकते हो प्राइमर से चेहरा काफ़ी अच्छा लग रहा है, इवन टोन लग रहा है। उसके बाद अब हम फाउंडेशन तो नहीं यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में, तो मैं सबसे पहले कंसीलिंग करूँगी। तो मेरे यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, तो उसको हटाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ LA Girl का प्रो कंसील हाई डेफिनेशन कंसीलर। यह है मीडियम बेज में, तो मैं इसको जहाँ जहाँ स्पॉट्स हैं वहाँ पे सब जगह पे लगाऊंगी। तो आपको समर में ध्यान रखना है कि इवन इफ आप कंसीलर सिर्फ लगाना चाहते हो तो बहुत ही कम लगाएं। तो मैं बहुत कम कंसीलर यूज़ करके ना करने वाली हूँ ये मेकअप। तो जितना आप कम यूज़ करोगे उतना वो केक ही नहीं लगेगा। तो अब जहाँ जहाँ मेरे मतलब स्पॉट्स है वहाँ पे सब जगह पे मैं इस तरह से मैंने लगा लिया है जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि डार्क स्पॉट्स है। अब क्योंकि हम फाउंडेशन नहीं यूज़ करने वाले हैं, जिनकी स्किन पे बहुत पिगमेंटेशन होता है वो डायरेक्टली विदाउट फाउंडेशन या सिर्फ BB क्रीम लगा के नहीं जा सकते क्योंकि फिर उनको कवरेज नहीं मिलेगा। जिनकी स्किन फ्लॉलेस है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, वो लोग डायरेक्टली BB क्रीम लगा सकते हैं या फिर विदाउट कंसीलर डायरेक्टली यू कैन गो फॉर अदर स्टेप्स। अब ये थोड़ा सा कंसीलिंग हो चुका है, इसके बाद हमें पाउडर से सेट करना है इसको। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप लूज़ पाउडर यूज़ कीजिए, ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कीजिए, लेकिन क्योंकि मेरी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन में आती है तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये L'Oreal मैट मजीक पाउडर। ये मेरा सबसे फेवरेट पाउडर है, ये हमेशा समर्स में मुझे काम आता है। इट ऑल्सो गिव्स यू नाइस फ्लॉलेस कवरेज, जो बहुत लाइट टू मीडियम में आता है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट कवरेज देता है, बट इट मेक्स योर स्किन लुक मैट और काफ़ी देर तक कंट्रोल करता है ऑयल। तो मैं इसको बस डैप करती हूँ एक साइड में और आपको दिखाती हूँ कि कैसे इफ़ेक्ट आता है। L'Oreal मैट मजिक इस साइड में मैंने लगा ली है और आप डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्लॉलेस लुक आया है, यहाँ पे स्टिल इट इज़ यू नो लुकिंग अनफिनिश्ड लुक। तो मैं इसको पूरा कवर अप कर लेती हूँ, नेक पे भी लगा लेती हूँ। तो ये लग चुकी है L'Oreal की कॉम्पैक्ट। अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मैं यूजुअली फेस कंप्लीट करने के बाद आईब्रोज़ करती हूँ, उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये L'Oreal का ब्रो आर्टिस्ट जीनियस किट। हो चुके हैं आईब्रोज, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं ब्रॉन्जर की तरफ। मैंने आईब्रोज़ काफ़ी नेचुरल रखे हुए हैं, मुझे काफ़ी मेडअप और सेट किए हुए आईब्रोज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेकअप रिवोल्यूशन का अल्ट्रा ब्रॉन्ज ब्रॉन्जर। मुझे बहुत पसंद है ब्रॉन्जर समर में यूज़ करना क्योंकि वो सन किस्ड लुक अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा कॉन्टोरिंग प्लस यू नो ब्रॉन्जिंग करने वाली हूँ मैं, तो इट्स लाइक यू नो
थोड़ा सा ब्लश कम यूज़ करूँगी आज मैं, क्योंकि कंटूरिंग से ज़्यादा मुझे ब्रॉन्जिंग लुक देना है। अब ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चिकी ग्लो ब्लश। ये बहुत पुराना मेबेलिन का ब्लश है और इसका जो शेड है ये है पीची स्वीटी। ये काफ़ी क्यूट पिंक कलर है, तो इसको मैं बहुत ही हल्का सा लेके यूजुअली कहा जाता है कि समर में यू नो क्रीम ब्लश यूज़ करो, बट आई थिंक दैट शुड बी फॉर ड्राई स्किन। मेरी स्किन पे अगर मैं क्रीम ब्लश यूज़ करती हूँ और फिर इवन दो आई सेट इट विद पाउडर या एनीथिंग, मेरे स्किन पे वो यहाँ पे शाइन आ जाती है, बिकॉज क्रीम ब्लश या जो भी है इसमें थोड़ा सा ऑयल होता है, तो मेरे स्किन पे ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन पे पाउडर प्रोडक्ट्स ज़्यादा सूट होते हैं, तो मैं यूजुअली यही प्रेफर करती हूँ। ऐसा ब्लश लगाने के बाद अब मैं फिर से ये ब्रॉन्जर लेने वाली हूँ और इसको मैं लगाने वाली हूँ मेरे आईलिड्स पे, क्योंकि मुझे एकदम कंप्लीट नेचुरल लुक चाहिए। तो ये ब्लेंडिंग ब्रश है, ये पैक का 393 ब्रश है, तो इससे मैं लेके ये कम्प्लीटली मैं यू नो अपने आईलिड्स पे लगाऊंगी ब्राउन ब्रॉन्जिंग शेड, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है और मुझे बहुत पसंद है ये करना। मैं काफ़ी टाइम ये करती हूँ और मुझे बहुत यू नो नेचुरल लगता है आईलिड्स पे ये लगा के। मैट कलर्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद है, मैट ब्लश, मैट आई शेडोज, क्योंकि समर में ज़्यादा शाइनी लुक नहीं चाहिए मुझे फेस पे, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल आ जाता है तो शाइन देता है। तो अगर आईलिड्स पे भी अगर मैं शाइनी आई शेडोज या फिर इवन लाइक शाइनी ब्लश लगाऊंगी तो वो और ज़्यादा एक्सेंचुएट करेगा मेरे हर फीचर को, तो मुझे वो नहीं करना है, इसलिए मैं मैट यूज़ करती हूँ मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स। तो आईलिड्स पे ब्रॉन्जर लगाने के बाद आपको अच्छे से ब्लेंड करना है उसको, वो कहीं पे भी पैची नहीं दिखना चाहिए या एक ही जगह पे लगा है वो नहीं लगना चाहिए। तो इसको बस आप मतलब ब्रश से ना ब्लेंड करते रहिए तो वो बहुत अच्छा दिखता है। ये ट्रिक जो है ना ये बहुत काम आती है। अब मैं पाउडर हाइलाइटर यूज़ नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो पाउडर हाइलाइटर काफ़ी ज़्यादा दिखता है और मुझे उतना शाइन नहीं चाहिए या उतना हाइलाइटर नहीं चाहिए अपने फेस पे। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेबेलिन न्यूयॉर्क का मास्टर स्ट्रोबिंग क्रीम और ये है इन द शेड न्यूड, और ये इतना कम लगाने वाली हूँ मैं कि ये बिल्कुल बहुत ही नेचुरल दिखता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपसे थोड़ा भी लग जाता है तो आप इसको पाउडर से फिर से सेट कर दीजिए, फिर ये अच्छे से नेचुरल दिखेगा। अब ये क्रीम प्रोडक्ट है तो आप कहोगे कि ये क्रीम प्रोडक्ट क्यों यूज़ कर रही हूँ मैं, तो इसको यूज़ करने का जो मकसद है वो ये है कि ये बहुत ही लाइट इफ़ेक्ट देता है और ज़्यादा चंकी नहीं दिखता है, ज़्यादा मेडअप नहीं दिखता है। तो इसको जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पर ये लगा के मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी इसको, तो बहुत ही नेचुरल इफ़ेक्ट देता है वो। इससे मैं मेरे आईब्रोज के यहाँ पे भी थोड़ा सा लगा के हाईलाइट करूँगी। सो अब मैं लगा रही हूँ ये लॉरियल का सुपर लाइनर और ये जो है वो फेल टिप है ये साइड में और बहुत ही फाइन टिप है ये, इससे आप बहुत अच्छे से आईलाइनर लगा सकते हो। आईलाइनर हो चुका है, इसके बाद अब काजल की बारी आती है। काजल के लिए मैं थोड़ा सा ब्लू कलर चूज़ कर रही हूँ और यूज़ कर रही हूँ ये शैम्बोर की डैजल आईलाइनर पेंसिल और ये है पर्पल डैजल कलर में 105। तो ये पर्पल कहते हैं लेकिन ये ब्लू दिखती है, तो मैं ये अपने वाटर लाइन पर यूज़ करूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी क्योंकि ये काफ़ी शार्प लुक देता है, तो थोड़ा सा स्मच करके थोड़ा सॉफ्टर लुक क्रिएट करूँगी। मैं अपनी आईलैशेस कर्ल कर रही हूँ इस कलर बार के आईलैश कर्लर से। मस्क
मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्रोडक्ट, ये है मेबेलिन का द फॉल्सेस पुशअप ड्रामा वाटरप्रूफ मस्कारा, क्योंकि समर है, इफ़ यू स्वेट यू नीड अ वाटरप्रूफ मस्कारा, तो ये मैं लगा रही हूँ। ये मस्कारा आपकी आंखें एकदम चेंज कर देता है, एकदम ओपन अप करता है, आपके लैशेस थिक और बहुत अच्छे दिखते हैं, तो मुझे ये बहुत पसंद है। बारी आती है लिपस्टिक्स की, जो बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट होता है क्योंकि वो आपके फेस को कम्प्लीटली चेंज करता है। अब मैं ज़्यादा बोल्ड भी नहीं जाऊँगी और ज़्यादा सटल भी नहीं जाऊँगी, थोड़ा मीडियम काइंड ऑफ लिप्स रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ दो प्रोडक्ट्स, एक है मैक की लिपस्टिक, ये है रिलेंटलेसली रेड लिपस्टिक, दिस इज़ अ मैट रेट्रो मैट रेंज, एंड ये है निक्स की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम। तो सबसे पहले मैं ये लगाऊंगी और उसके ऊपर ये सॉफ्ट मैट लिप क्रीम से उसको थोड़ा सा सॉफ्ट लुक दूंगी, थोड़ा सा सटल बनाऊंगी। तो अगर आपका लिप बाम अभी भी है तो प्लीज़ टेक इट आउट विथ एनी टिश्यू पेपर, नहीं तो लिप्स पे ये लिपस्टिक नहीं लगेगी अच्छे से। आपको काफ़ी देर तक लिपस्टिक रखनी है तो आप लिप लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, मैं आज नहीं यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर क्योंकि एनीवे मैं दो लिपस्टिक्स यूज़ करने वाली हूँ, तो इट काइंड ऑफ यू नो गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग, तो सबसे पहले ये। और ये जो मैक की लिपस्टिक है ये रेट्रो मैट रेंज की है, तो ये ज़्यादा ड्राइंग होती है लिप्स पे, तो इसको थोड़ा सा यू नो थोड़ा मॉइस्चराइजेशन पार्ट ऐड करने के लिए ये लगाऊंगी मैं, और ये ज़्यादा अकेले टिकती भी नहीं है तो इसलिए ये। तो नेक्स लिप क्रीम लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से लिप्स दिखते हैं, मुझे ये ठीक ठाक लगे, बहुत ब्राइट भी नहीं लगते हैं, बहुत सटल भी नहीं रखते हैं क्योंकि हमने बाकी फेस मेकअप काफ़ी लाइट रखा हुआ है मेकअप, तो इट लुक्स नाइस। अब बारी आती है कि मेकअप को और सेटल करने की, तो उसके लिए आप कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन का प्रो फिक्स सेटिंग स्प्रे, इसको आपको बहुत ही केयरफुली लगाना है, आप बहुत पास से लगाओगे तो पूरा ऑयली हो जाएगा फेस, यू जस्ट हैव टू स्प्रे इट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड फ्रॉम साइड्स, ओके।